कुछ दिन पहले प्रीति जिंटा की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें आप देख सकते थे कि एक दिव्यांग भिखारी था जो व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था और वो प्रीति जिंटा की कार के पीछे भागते हुए नजर आ रहा है, यानी चला कर ले जा रहा है और थोड़ा गुस्से में दिखाई पड़ रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने प्रीति जिंटा को ट्रोल किया था कि प्रीति जिंटा कितने निर्दयी दिल की है जो एक भिखारी को कुछ पैसे तक नहीं दे सकी। बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया, लेकिन अब इस पूरे मामले पर प्रीति जिंटा ने अपनी राय रखी है और कहा है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, आपको दोनों ही साइड को जान लेने के बाद ही अपना रिएक्शन देना चाहिए, सेलिब्रिटी हर बार गलत नहीं होता है। प्रीति जिंटा का यह कहना है कि ये भिखारी पिछले एक साल से उन्हें लगातार परेशान कर रहा था। पूरी बात क्या कहिए वो सुन लीजिए। प्रीति जिंटा ने दो घटनाओं के बारे में शेयर किया है। पहला ये कहा है कि पहली घटना उनकी बेटी से जुड़ी हुई है कि उनकी ही बिल्डिंग की रहने वाली एक औरत जबरदस्ती आकर उनकी बेटी को चूमते हुए नजर आती है। मैं सेलिब्रिटी हूं इसलिए कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि मेरे बोलने का मतलब बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो जाता है, इसलिए बोलना चुप रही। लेकिन बच्चों को छोड़ दीजिए, बच्चों को परेशान मत कीजिए, आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं सेलिब्रिटी नहीं होती तो इस बात पर तमाशा जरूर करती, लेकिन मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। दूसरे हादसे के बारे में बात करते हुए प्रीति लिखती है कि उस वक्त मेरी फ्लाइट थी और ये विकलांग भिखारी जो है ये लगातार मुझसे पैसे मांग रहा था। हमने उसे पैसे दिए लेकिन वो उसे पर्याप्त नहीं लगा और उसने गुस्से में चीखते चिल्लाते हुए वो पैसा हमारी तरफ फेंक दिया। उसके बाद हमने कांच बंद किया गाड़ी का और जाने लगे, क्योंकि वीडियो में आपने जो देखा है वो सिर्फ कुछ ही हिस्सा है जिसे पैपराजिस ने उतना ही रिकॉर्ड करके डाला है ताकि उन्हें वायरल हो जाए वीडियो और उन्हें पॉपुलैरिटी मिल जाए। जब हमने उसे पैसा दिया तो वो आक्रामक हो गया और वो हमारी गाड़ी का पीछा तक करने लगा था, आप वीडियो में देख सकते हैं। प्रीति जिंटा का ये कहना है कि फोटोग्राफर्स का ये जो मजाकिया अंदाज है ये बहुत ही बेकार है, ऐसी चीजें उन्हें नहीं करनी चाहिए। आपको वीडियो दिखाना है तो पूरी वीडियो दिखाइए, आधी वीडियो मत दिखाइए। किसी ने भी उस भिखारी को ये नहीं कहा कि उस गाड़ी का पीछा मत करो, तुम्हें चोट लग सकती है। अगर कुछ हो जाता तो लोग मुझे ब्लेम करते कि एक सेलिब्रिटी होकर एक गरीब भिखारी के साथ प्रीति जिंटा ने इतना गलत बर्ताव किया। फिर आप बॉलीवुड को ब्लेम करते, हमारे बारे में निगेटिव बातें फैलाते और यही काम आपको रह जाता है। अब इस बातों को सोचने का समय आ गया है कि हम भी एक इंसान है, मैं भी एक माँ हूं और अपनी असफलताओं के लिए लगातार माफी नहीं मांग सकती हूँ। मुझे भी देश में उसी तरह से जीने का अधिकार है जिस तरह से एक आम इंसान को होता है। हर चीज के लिए सेलिब्रिटीज को दोष देना बंद करो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उन दोनों ही पहलुओं को जानने के बाद ही अपना रिएक्शन दीजिए।